यदि आप चाहते हैं कि आपका काम आपके लिए काम करे तो आपको करना होगा टीम वर्क। यदि आप चाहते हैं कि आप सोए रहें और आपको पैसे आते रहें तो दोस्त करना पड़ेगा आपको टीम वर्क। मल्टी लेवल मार्केट में बहुत सारे लीडर वो होते हैं जो खुद काम करते रहते हैं, लेकिन चंद लीडर ऐसे होते हैं जिनका काम उनके लिए काम करता रहता है। यदि आप उन चंद लीडर की तरह नेटवर्क मार्केट में ये चाहते हैं कि आपका काम आपके लिए काम करे तो आपको एक चीज सीखना होगा, जो चीज मैं आज बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं टीम वर्क। दोस्तों, मैं राकेश कुमार राजपूत आपके पास सफलता का 7 सूत्र लेके आया हूं। जो मेरे नए दोस्त हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा वीडियो लगातार मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों टीम वर्क के बारे में। टीम वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है नेटवर्क इंडस्ट्री में। यहां पर लोग लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत कर करके टीम तो खड़ा कर लेते हैं, टीम तो बना लेते हैं, लेकिन उन टीम से काम नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आप जितना मेहनत करते हैं टीम बनाने में, वो केवल 10% ही मेहनत होता है। 90% दोस्त मेहनत करना पड़ता है टीम को वर्क कराने में। यदि आप टीम को वर्क कराना सीख गए तो आप इस मल्टी लेवल मार्केट में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका काम आपके लिए काम करना चालू कर देता है। जब एक आम व्यक्ति सोल्जर बनने के लिए जाता है, उस समय वो एक सिंपल आम व्यक्ति होता है, लेकिन जब उसको ट्रेनिंग्स दी जाती है और जब ट्रेनिंग दे के उसको तैयार किया जाता है, एक हथियार चलाना सिखाया जाता है, सॉलिड नॉलेज दिए जाते हैं, उसके बाद वो आम व्यक्ति जो है एक सोल्जर बन जाता है। सेम मल्टी लेवल मार्केट में यदि आप अपनी टीम को सोल्जर नहीं बनाओगे तो दोस्त कभी भी आप अपनी टीम से बड़ा पैसा नहीं कमाओगे। सोल्जर बनाना है आपको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपनी टीम को। वो ट्रेनिंग्स क्या होती है, आपने टीम का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको ये देखना है कि आपके उस टीम में कितने लोग प्लान देने जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि खुद से मीटिंग लेते हैं, कितने लोग हैं जो कि ट्रेनिंग्स देते हैं, और कितने लोग हैं जो कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं। यदि आपके टीम में जो व्यक्ति एक कंप्लीट सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसका मतलब है वो व्यक्ति टीम वर्क कर रहा है। और आपको अपने टीम के सारे लोगों को इस काबिल बना देना है कि वो जो सारे लोग हैं एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज करा लें, और आपके टीम के लोग इस लायक बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द वो समय आ गया है कि आपका काम आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यदि आपने अपने टीम को उस लायक नहीं बनाया, अगर तैयार नहीं किया, तो दोस्त जिंदगी भर आप काम करते रह जाएंगे। दूसरी चीज आपको जो है टीम वर्क में सिखानी है, वो एक और चीज है। आपने उसको नॉलेज दे दिया, आपने उसको ट्रेनिंग दे दिया, साथ में आपको एक चीज और सिखाना है, और वो चीज है योग्यता। हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए अपने आप को ढाल देना। जैसे एक फौजी होता है, यदि आप उसको 45 से 50 डिग्री की टेम्परेचर में यदि फाइट करने बोले तो वो बिल्कुल फाइट कर देगा, और यदि आप उसको -50 डिग्री में लेके चले गए और उसमें भी फाइट करने के लिए बोला तो वो उसमें भी फाइट कर सकता है। मतलब हर परिस्थिति में जो एक सोल्जर होता है वो अपने आप को ढाल लेता है। तो सेम इसी तरीके के आप जब नेटवर्क मार्केट करते हैं तो आपके पास भी चुनौतियां आती है कि आपका टीम आपको छोड़ के चला जाता है, जो टीम में रहते हैं वो वर्क नहीं करते। उस समय आपकी टीम को संभालने के लिए उस चैलेंज को, उस परिस्थिति को फेस करने आता है कि नहीं,
यदि आप ये चीज कराना भूल गए अपने टीम को, यदि वो कितने भी प्लान देने वाले रहें, कितने भी वो मीटिंग्स करते रहें, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपने यदि उसे ट्रेन नहीं किया, तो दोस्त बहुत जल्द वो टीम बैठ जाती है। एक झाड़ू होता है, वो झाड़ू को यदि आप खुला छोड़ दें तो वो सफाई करने का काम नहीं करता, बल्कि वही झाड़ू जो है खुद एक कचरा बन जाता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केट में यदि आपने टीम तो बना लिया, लेकिन यदि टीम को बांध के टीम वर्क करना नहीं सीखे तो वही टीम जो है एक प्रकार से कचड़ा बन जाता है। और जो लीडर अपने इस टीम को बांध के चलता है, एक नेट टीम वर्क बना के काम करता है, वही लीडर का जो टीम है वो गरीबी के कचड़े को साफ कर देता है। तो दोस्त आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझनी है, वर्क करने के लिए आपके टीम को तैयार करना पड़ेगा और ये पूरी जिम्मेदारी लीडर की होती है। और जब आप अपने टीम को टीम वर्क कराने सीखते हैं, एक आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो काबिलियत को बोलते हैं लीडरशिप। ये चीज आप टीम वर्क करके ही अपने अंदर से डेवलप कर सकते हैं। तो लीडर बनने का जो सबसे अच्छा हमको मौका मिलता है वो मिलता है टीम वर्क करा के। और जिन लोगों ने अपने टीम के साथ अच्छा वर्क किया है वही एक दिन एक बहुत अच्छा लीडर बना है। और आप सभी लोग सुने भी होंगे ये चीज कि लीडर ही नेटवर्क इंडस्ट्री में पैसा बनाता है। तो दोस्त आप एक अच्छा लीडर तभी बन सकते हो जब आप अपनी टीम को वर्क कराना सीख जाओगे। यदि आपने टीम बना लिया और वर्क कराना नहीं सीख पाए, इसका मतलब आपने अपने अंदर लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। इसलिए आप अपनी टीम को अधिक से अधिक तैयारी कराइए, अधिक से अधिक लीडर निकालिए वहां से, क्योंकि जिसके टीम में जितने ज्यादा लीडर बनते हैं वो लीडर उतना ही ज्यादा बड़ा यहां पैसा बनाता है। सफलता के ये सातों सूत्र मैंने आपको बता दिए। ये सातों सूत्र जो कि जो लोग लगातार देख रहे हैं मेरा वीडियो को, वो सातों सूत्र मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। फर्स्ट मैंने बताया था प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, सेकंड बताया था मैंने लिस्ट बनाना, थर्ड बताया था मीटिंग्स, फोर्थ बताया था मीटिंग में कैसे इन्वाइट किया जाता है, फिफ्थ बताया था आपको मैंने कि प्लान देना, सिक्स बताया था आपको फॉलोअप करना, और सेवन बताया था मैंने आपको स्टेप टीम वर्क का काम करना। जो व्यक्ति यदि नेटवर्क इंडस्ट्री में राज करना चाहता है, वो अपने पूरी टीम को यदि ये सेवन स्टेप फॉलो करवा दिया, दोस्त यकीन मानिए जिस दिन आप ये सारे सेवन स्टेप खुद फॉलो करेंगे और अपनी टीम को फॉलो कराएंगे, उस दिन देख लेना सफलता आपको फॉलो करना चालू कर देगी। तो ये मैंने सफलता के सात सूत्र आपको बताए। अब बहुत जल्द जो मेरे दोस्त लोग मल्टी लेवल मार्केट से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ताकि आपने सपनों तक पहुंच सके, तो मैं आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए आपको लगातार और भी वीडियो देने वाला हूं, जो कि यकीनन आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करेंगे। तो फिर मैं आपके साथ मिलूंगा आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।